हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रोस्टैट का जो अब तक वीडियो मैंने डाला है, आई होप तुम सबको इजिली समझ में आ रहा होगा। हम ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के जगह जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन क्वेश्चंस हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जो छोटे से छोटे डाउट्स होते हैं, हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे जेई की, उस टाइम में हमारे मन में जो छोटे छोटे डाउट्स होते थे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, हम उसको अपने वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये जेई एडवांस 2015 में पूछा गया है। एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसके अंदर एक कैविटी है सेम शेप का, जिसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस कैविटी के अंदर किसी r डिस्टेंस पे, और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उसके पता करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखते हैं कि इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ये तुम्हारे लिए नया होगा, इसलिए देख के लग रहा होगा कि कैसे फाइंड करें, लेकिन इसका एक तरीका होता है। देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई शेप गिवेन हो, उसी शेप में, उसी के अंदर अगर उसी शेप का कैविटी प्रेजेंट हो, तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी हम रो लेते हैं तो इसका माइनस रो हो जाता है। ठीक है, ये लेने का तरीका है, क्योंकि ये कैविटी है तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी हम रो ले रहे हैं तो इसका माइनस रो लेंगे कैविटी का, अगर सेम शेप का होता है तो बस उसी को, इसी का यूज़ करके इसका फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें पता होगा किसी स्फीयर के अंदर आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो जाता है? KQR/R³। इसका दूसरे टर्म में लिखेंगे तो ρ/3εr, यही होता है। तो देखो इस मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे किस कहाँ से फाइंड करना है। देखो गिवेन होगा, गिवेन है कि कैविटी से r डिस्टेंस पे, मतलब इस कैविटी के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं r डिस्टेंस पे फाइंड करूँ अगर, तो इसकी वजह से यहाँ से तो डिस्टेंस हमें पता है नहीं, तो इसको मैं R1 ले लेता हूँ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इधर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसको E1 ले लेता हूँ। E1 कितना हो जाएगा? ρ/3εr₁। इसी तरह E2 कितना हो जाएगा? ड्यू टू कैविटी ले लेता हूँ। किधर है डायरेक्शन? इधर होगा। कितना हो जाएगा? -ρ/3εr₁। अब E-net अगर फाइंड करूँ तो सिंपल क्वेश्चन बन गए, तो ρ/3εr₁ - r। अब देखो ये एक ट्रायंगल हो गया OP, और यहाँ पे अगर Q ले लूँ तो OPQ एक ट्रायंगल हो गया। अब वेक्टर है तो वेक्टर यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो देखो वेक्टर एडिशन, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इस तरह का अगर क्वेश्चन गिवेन है, इस तरह का अगर वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल लॉस है वेक्टर में, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी R+R₁ = α होगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो इसमें देखो, इसमें कौन सा कंटिन्यूस साइड है? ये देखो कंटिन्यूस साइड कौन सा है? ये OP और OPQ, और ये जो है वो उसके अपोजिट साइड से ये साइड बना हुआ है। इसका डायरेक्शन कंटिन्यूस नहीं, ये दोनों कंटिन्यूस है, ये इसके अपोजिट साइड से बना हुआ है, यानी α+R फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, α+R = R₁। तो α = कितना हो जाएगा? R₁ - R। तो यहाँ पे R₁ - R की जगह E-net क्या लिख सकता हूँ? ρ/3εr₁ - r। यहाँ से ρ/3εr₁ - r को α लिख देता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब देखते हैं, ये हो गया E-net एट दिस पॉइंट। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि E जो है वो यूनिफॉर्म है और वो R2 के इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो R पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन R पे डिपेंड कर रहा है क्या? वो तो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। R2 के इंडिपेंडेंट तो है लेकिन R पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं कर रहा है या फिर डायरेक्शन, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो ये है कि E जो है वो यूनिफॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड R2 पे डिपेंड कर रहा है, तो R2 पे डिपेंड कर रहा है क्या इसका मैग्नीट्यूड? नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो A पे डिपेंड कर रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन
मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन ए पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड भी ए पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन भी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि ये एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी ए पे डिपेंड कर रहा है और इसका डायरेक्शन भी ए पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि एक वेक्टर है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट पॉइंट पी ड्यू टू लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो देखो मैंने तो ये सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज किसी और फॉर्म में भी दे सकता है कि इसका जो अपर पार्ट है, जो अपर एंड है वो पॉइंट पी के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और जो लोअर एंड है पॉइंट पी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन में गिवेन हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट पी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये डिस्टेंस होगा डी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे पहले नीचे जहाँ तक, जहाँ पी है जिस पॉइंट पे पी है वहाँ तक एक्सटेंड करोगे और पी से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वहाँ से एंगल ऐसे दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लाइन चार्ज जब मैंने पढ़ाया था तो तुम्हें बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं जल्दी से रिविजन करा देता हूँ। तो अगर लाइन चार्ज था और किसी पॉइंट पी पे, परपेंडिकुलर पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। तो एक तो अल्फा और बीटा चाहिए होता था, तभी तो दो कंपोनेंट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एक्स और ई वाई, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ई नेट। तो ई एक्स कितना होता था, के लैम्डा बाई डी, डी क्या है ये डिस्टेंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होता था ई एक्स। और ई वाई कितना होता है, के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड था कि अल्फा और बीटा कब पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। तो देखो अगर लोअर एंड इसके साथ पॉइंट पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा पॉजिटिव तब लेंगे जब अल्फा क्लॉकवाइज होगा, अल्फा क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, यही बीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। अब इसका इसको इस तरह से भी समझो कि अल्फा जब अपर एंड जो है इस वायर का अपर एंड क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और लोअर एंड जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, यही अगर उल्टा होता है तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें अपर एंड कौन सा एंगल बना रहा है, अपर एंड ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लेंगे। और वही लोअर एंड ये है, लोअर एंड कैसा एंगल बना रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा प्लस पाई बाई थ्री, 60 डिग्री एंगल है। यही बीटा कितना है, माइनस 30 डिग्री, यानी पाई बाई माइनस पाई बाई सिक्स। बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली है, ई एक्स और ई वाई निकालो, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा यानी साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, और साइन माइनस पाई बाई सिक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो माइनस वन बाई टू आई कैप। अब इसका डायरेक्शन तो देख लो, इधर ई एक्स होना है और इधर ई वाई होना है और इधर कहीं ई पी होगा या ई नेट जिसे बोलते हैं, ई नेट या ई पी बोल लो। तो ई वाई अब अगर फाइंड करूँ मैं तो के लैम्डा बाई डी कितना हो जाएगा, कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना है, कॉस माइनस पाई बाई सिक्स माइनस ऑफ कॉस अल्फा, कॉस पाई बाई थ्री। अब कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू, माइनस कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, और इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप लिख देंगे। अब इसी को अगर इस फॉर्म में लिखूँ तो के लैम्डा बाई डी वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप, ये हो जाएगा ई ई वाई। अब देख लेते हैं ई नेट, तो ई नेट क्या होगा, ई एक्स प्लस ई वाई, ई नेट कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई। तो ये अब मिटा देता हूँ मैं, ई नेट अगर फाइंड करूँ तो ई नेट कितना होगा, ई एक्स प्लस ई वाई, ई एक्स कितना है के लैम्डा बाई टू डी रूट थ्री माइनस वन आई कैप और प्लस के लैम्डा बाई टू डी
वन माइनस रूट थ्री जे कैप के लैम्डा बाई टू डी कॉमन, उसके बाद फिर रूट थ्री माइनस वन आई कैप प्लस वन माइनस रूट थ्री जे कैप, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि बस ध्यान ये रखना है तुमको कि एंगल कैसे है, एंगल का डायरेक्शन कैसे है। अल्फा बीटा मिल गया, उसके बाद सारी चीजें सेम रहने वाली है। अल्फा कब पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज होगा। अल्फा क्या है, अपर एंड जो पी के साथ एंगल बनाता है, पॉइंट पी के साथ, यानी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन वायर पे, और उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होता है, और लोअर एंड जो एंगल बनाता है वो बीटा होता है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं दे के जाता हूँ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा आई गेस। तो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो, इस बार वायर का जो अपर एंड है वो यहाँ पे हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो एंगल है इसके साथ, चलो ये ऐसे दे देता हूँ, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। कौन सा एंगल, ये 60 डिग्री बना रहा है और ये 30 डिग्री बना रहा है। अब तुम्हें फाइंड करना पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस चलो ड्रॉ कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में भी गिवेन हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम्हें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पे, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो सॉल्व करके, ताकि क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन और पूछे तुमसे तो तुम इजीली। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन लाइन चार्ज के ऊपर क्या है। एक लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसको अल्फाबेट वी के शेप में बेंड किया जा रहा है कुछ इस तरह, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इसके एंगल बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पी पे जो ओ से ए डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो लाइन चार्ज की वजह से कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। अगर लाइन चार्ज है ये, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी पे, तो हमें अल्फा चाहिए होता है, बीटा चाहिए होता है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहले अल्फा और बीटा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है पॉइंट पी से, तो ये जो एंगल होगा इनिशियल पॉइंट से जो एंगल बनता है, ये एंगल अल्फा होगा, ये वाला एंगल, इससे जो बन रहा है ये वाला एंगल अल्फा। और ये जो, अगर ये फाइनाइट चार्ज होता तो देखो, फाइनाइट अगर यहाँ तक होता तो ये ऐसे लाइन ज्वाइन करते तो ये एंगल बीटा होता, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी इस पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट को जाके मिलेगा। तो इनफाइनाइट को कब मिलेगा, जब इसके पैरेलल लाइन चला जाए, तो अगर इसके पैरेलल चला जाता है तो कभी मिलेगा नहीं, यानी इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो इससे पैरेलल ये एंगल जो है ये बीटा बनेगा। तो अल्फा और बीटा निकालते हैं, तो बीटा तो 90 डिग्री हो गया। अब अल्फा देख लेते हैं, अल्फा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखो ए और ये सी ले लो, तो ओ ए बी में देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थीटा बाई टू प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, अल्फा और बीटा निकल गया यहाँ से। अब क्या चाहिए, यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट है इस लाइन चार्ज की वजह से, एक ई एक्स और एक ई वाई है। तो इसमें मैं इसी कंपोनेंट को ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर नाम दूंगा, ताकि इजी हो समझने में। इसके पैरेलल कौन है, ई वाई कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, ई एक्स कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इसके पैरेलल। तो पहले ऊपर वाले के लिए देखते हैं, ऊपर वाला जो वायर है इस एक्सिस के ऊपर वाला वायर, इसकी वजह से एक कंपोनेंट मैंने पैरेलल ले लिया, ई पैरेलल इसको नाम देता हूँ, और एक इसके परपेंडिकुलर यानी इधर होना है ई परपेंडिकुलर नाम दे दिया। सेम इसी तरह इसकी वजह से एक पैरेलल कंपोनेंट होगा ई। और एक बात और ध्यान दो, इसका जो मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से ई पैरेलल का जो मैग्नीट्यूड होना है उसकी, इसकी वजह से भी वही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। देखो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होना है। तो जो ई पैरेलल इसका होगा वही ई पैरेलल इसका होगा, और ई परपेंडिकुलर जो इसका था वही इसका होना है। तो इसका ई परपेंडिकुलर कुछ इधर हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर। तो अब ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा मिल चुका है, और अल्फा एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव, और बीटा जो है वो क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव, तो ठीक एंटी क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव, तो डायरेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा बीटा मिल गया, अब तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकाल देंगे। अब इसके बाद इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, वेक्टर है तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके निकाल देंगे। अब कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो ये ई पैरेलल है तो एक्स कंपोनेंट इसका इस एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, तो एक्स कंपोनेंट कुछ इधर आना है, इसका भी एक्स कंपोनेंट इधर आना है, इसका भी एक्स कंपोनेंट इधर, एक्स कंपोनेंट इधर, ठीक है।
अब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इस ये एक्सिस दिया है तो ये कहीं वाई कंपोनेंट इधर होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट इधर, इसका भी वाई कंपोनेंट इधर, इसका भी इधर और इसका भी इधर, यानी इन दोनों की वजह से जो वाई कंपोनेंट अपर ऊपर के डायरेक्शन में, इन दोनों की वजह से वाई कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, तो वाई कंपोनेंट होना नहीं है, यानी सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे। उसके लिए भी एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एंगल देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं, अब मैं हटा देता हूँ और सीधे अल्फा और बीटा लिख देता हूँ। अल्फा कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो अल्फा हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। चलो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर देख लेते हैं, तो ई पैरेलल क्या हुआ, वाई एक्सिस वाला, तो वाई ई वाई हो गया, तो वाई का ई वाई का फॉर्मूला कितना होता है, के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस बीटा कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस अल्फा पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, यही है। अब ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई एक्स वाला कंपोनेंट, के लैम्डा बाई टी साइन अल्फा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू प्लस साइन बीटा साइन पाई बाई टू, यही हो गया। बाकी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, इसको अब सॉल्व करेंगे। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, देखो इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल चाहिए, और इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल चाहिए, तो ये तो बहुत ईजी है, ये इसके पैरेलल है ये लाइन, तो ये अगर थीटा बाई टू बना रहा है तो ये भी थीटा बाई टू बनाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी थीटा बाई टू एंगल हो जाएगा, और ये थीटा बाई टू हुआ तो ये भी थीटा बाई टू होगा, ठीक है। अब देखो अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो देखो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के बीच का एंगल कितना होता है, ई एक्स और ई वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होना है, तो मैं इसको के ले लेता हूँ और तीनों के सम को 90 डिग्री के इक्वल करता हूँ, के प्लस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो के इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, यही हुआ। अब हमें के तो चाहिए नहीं, हमें तो पूरा एंगल चाहिए ये वाला, ये वाला यानी के प्लस थीटा बाई टू, तो के प्लस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, के प्लस थीटा बाई टू हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा बाई टू, तो कितना हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो के भी निकल गया और ये भी एंगल निकल गया, तो ठीक है, तो के ये भी पूरा एंगल ये कितना हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टी, और इसको नाम दे दिया मैं, इस छोटे वाले एंगल को नाम दे दिया चलो एल, तो एंगल टी कितना हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, और एंगल एल कितना हो गया, एंगल एल हो गया थीटा बाई टू। बाकी सारी चीज़ें तो अब इजी है, सब चीज़ कर लो, तो अब इनेट निकाल लो, इनेट कितना हो जाएगा, इनेट देखो मैं क्या बोला था, वाई एक्सिस वाला सारा कंपोनेंट कैंसिल होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया हूँ, तो एक्स एक्सिस वाला देखो, एक्स एक्सिस वाला इसका कंपोनेंट इधर ई पैरेलल कॉस थीटा बाई टू, सेम इसका भी ई पैरेलल कॉस थीटा बाई टू, तो टू ई पैरेलल कॉस थीटा बाई टू प्लस ई परपेंडिकुलर कॉस, कॉस कितना हो जाएगा टी, ई टू ई परपेंडिकुलर कॉस टी कितना है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, बाकी रख दो वैल्यू, ई पैरेलल कितना है टू इंटू के लैम्डा बाई डी कॉस पाई बाई टू कितना होगा जीरो, और ये माइनस साइन थीटा बाई टू, तो कितना हो गया माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसी तरह आप इसका वैल्यू रख देंगे टू ई परपेंडिकुलर का टू के लैम्डा बाई डी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू कितना होगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू वन इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, तो साइन थीटा बाई टू, ठीक है। अब टू के लैम्डा डी साइन थीटा बाई टू तो बाहर निकाल लिया, डी क्या है डी, अच्छा डी क्या होता है, डी बताना भूल गया था मैं, डी क्या होता है, डी होता है ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं उसका, उस लाइन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये डी होता है, तो वही डी है यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा बाई टू कॉमन निकल गया तो माइनस कॉस थीटा बाई टू इसमें बचा और इसमें वन प्लस कॉस थीटा बाई टू बच गया, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना बच गया टू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा बाई टू, ये हुआ। अब देखो डी के जगह हम डी को इस डी के जगह हमें ए के फॉर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो डी गिवन नहीं है, हमारे पास ए गिवन है, तो डी की क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं ये वाला कंपोनेंट, देखो ये परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा ए कॉस थीटा बाई टू, और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा बाई टू, देखो ना अगर ये ए है ये थीटा बाई टू एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये 90 डिग्री है, तो ए कॉस थीटा बाई टू, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है ए साइन थीटा बाई टू, तो देखो ये वाला इसके साथ बना रहा है तो ए कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, ये ए साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, तो डी के जगह रख देंगे
तो बस आंसर आ जाएगा के लैम्डा बाई डी ए साइन थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू, तो टू के लैम्डा बाई ए, यानी ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। थीटा हमारे पास गिवन भी नहीं था, हमने अपने से सपोज किया था, फिर भी ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस ध्यान देना है कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने के लिए भी एंगल चाहिए होगा, उस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ों पे, इन सारी बातों पे ध्यान दो और लाइन चार्ज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर तुम अल्फा बीटा ध्यान देना, और इसके अलावा जो भी एंगल रिजॉल्व कर रहे हो वो एंगल ध्यान देना, बाकी इन्हें तो तुमको लिखने आता ही होगा, बाकी कैलकुलेशन था, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर किया करो। अब देख लेते हैं इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे मैं एक प्रॉब्लम कराने वाला हूँ इसके बाद, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं क्या है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू हेमीस्फेयर, और भी अदर शेप्स हमने देखे हैं, हेमीस्फेयर देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर को समझो, शेप को समझो, शेप कैसे बनता है, ये शेप कैसे बनता है। एक रिंग लेते हैं, हॉलो हेमीस्फेयर है, तो एक रिंग लेंगे आर रेडियस का, उसके ऊपर उससे छोटा रिंग लेंगे, इस तरह से इनफाइनाइट रिंग का अरेंजमेंट होता है, ये होगा। सोचो एक रिंग, उसके ऊपर उससे छोटा रेडियस का रिंग, फिर उससे ऊपर हल्का छोटा रेडियस का रिंग, बहुत छोटा मतलब कम करते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग का अरेंजमेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका वेरिएशन भी होगा, क्योंकि इस रिंग की वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर उससे अगर रेडियस छोटा है किसी रिंग का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, तो उस वजह से इसका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और डायरेक्शन का भी वेरिएशन होगा, क्योंकि देखो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से इधर हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से इधर हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी वेरी करता है। तो इसमें रिंग से बना हुआ है, तो रिंग एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया एक रिंग को एलिमेंट, एक रिंग को एलिमेंट ले लिया, और मान लिया कि ये थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट है, ये थीटा एंगल हो गया और ये डी थीटा हो गया, और ये तो तुम्हें पता, इधर इसको आर ले लिया, और ये तो तुम्हें पता है आर होना है, क्योंकि रेडियस इसका आर होगा। तो बाकी अब एलिमेंट ले लिया, तो देखो कौन सा एलिमेंट हो गया, ये रिंग हो गया, ये यही एलिमेंट लिया हूँ मैं, यहाँ से इसका रेडियस स्मॉल वाले का आर हो गया, ये डी आर लेंथ का, डी आर थिकनेस का रिंग मैंने अज्यूम कर लिया। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए फाइंड करना है, तो इसका डी ए फाइंड करने का तरीका तुम्हें पता है, बड़े वाले रिंग का एरिया पाई आर प्लस बी आर होल स्क्वायर माइनस छोटे वाले रिंग का एरिया का, फिर उसको माइनस कर देंगे। तो इससे ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ मैं, तो कितना है टू पाई आर डी आर, तो सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर। अब देखो इस तरह के एलिमेंट में अगर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है डी थीटा और डी आर है, तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी डी आर अपॉन डी थीटा, यही होता है, आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा, रेडियस अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी थीटा, तो डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से डी आर कितना लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टू पाई आर डी थीटा, और r को r, अब देखो स्मॉल r को कैपिटल r के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉल r है और ये r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट r cos थीटा, इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला r sin थीटा, तो कितना हो गया dq सिग्मा इंटू टू पाई r sin थीटा लिखूंगा, तो r स्क्वायर sin थीटा d थीटा होगा, ये हो गया dq। अब देखो रिंग की वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रूव कर चुका हूँ और क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। अब आर तो रेडियस है रिंग का, और एक्स क्या है डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस जिस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स, बस तो रख दो ई रिंग, ई रिंग की वजह से डी रिंग निकालेंगे, तो डी रिंग कितना हो जाएगा, डी रिंग हो जाएगा के क्यू के जगह डी क्यू रखेंगे, सिग्मा इंटू टू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू आर, आर कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, ऑलरेडी पता है यही है ना, नहीं के क्यू एक्स होता है ना, तो के क्यू एक्स होता है, के क्यू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स है, तो एक्स कितना होगा आर कॉस थीटा, देखो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा, तो ठीक है आर के जगह फिर क्या लिख देंगे आर साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स के जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
टू दी पावर 3/2। अब आर स्क्वायर बाहर लूंगा, इसके अंदर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा और 3 to the 3/2 है, तो इससे ये घट गया, मतलब नीचे आर क्यू बचेगा, तो डी रिंग कितना हो जाएगा, के सिग्मा 2 pi r³ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऊपर बच गया, कैलकुलेशन है ये सारी चीज़ें, तो ये कितना हो गया r³ गया, तो के सिग्मा पाई 2 sin θ कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2θ, ये पता होगा तुम्हें डी थीटा। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है वो मेन है, ये तो पता होगा 2 sin θ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ होता है। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है ये देख लो, तो देखो इस पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल 0 degree और यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये एंगल कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये यहाँ तक आ रहा है ना, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये एंगल 90 degree होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 90 degree 0 से 90 degree होगा, तो डी रिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि हाफ पार्ट लिया है ना, तो हाफ पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इधर से फिर ये कंपोनेंट लेते तो फिर पूरा इंटीग्रेशन लिमिट लेना पड़ता 0 से π तक, हाफ पार्ट ले रहे हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये पोर्शन बस ले रहे हैं, तो इसकी वजह से कहाँ से कहाँ लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है π/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो π/2 तक लिमिट हो गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसकी वजह से इधर होना है, सेम इसकी इधर से लिमिट लेता तो इधर होता, ठीक है, ये ध्यान देना, डायरेक्शन आगे काम आएगा। तो डी रिंग निकल गया, तो डी रिंग को इंटीग्रेट कर दो, फिर डी रिंग को इंटीग्रेट करेंगे 0 से E तक और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2 तक, के सिग्मा पाई साइन 2θ डी थीटा। अब साइन 2θ डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है, के सिग्मा पाई तो कॉन्स्टेंट है, साइन 2θ डी थीटा का होता है -cos 2θ/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। बाकी कैलकुलेशन करो, cos π/2 पहले अपर लिमिट रखेंगे, cos π/2 तो -cos π - cos π - 1 तो -cos π/2 माइनस ऑफ cos 0, तो -cos 0, तो k सिग्मा पाई ये होगा, तो k सिग्मा पाई बाई 2 बाहर ले लो, -cos π कितना 1 और cos 0 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के सिग्मा सिग्मा के को कितना लिख सकता हूँ, 1/4π ε₀ सिग्मा इंटू पाई, पाई से पाई गया तो ये कितना आ गया, σ/4ε₀, तो ई इतना हो जाएगा हेमी स्क्वायर की वजह से। तो बाकी सेम बाकी फिगर की तरह इसको भी इंटीग्रेट किया, और कुछ नया नहीं था इसमें, लेकिन बता दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे इस रिजल्ट को यूज करके मैं इस रिजल्ट को और इसके डायरेक्शन को यूज करके मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस क्वार्टर स्फीयर की वजह से, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। तो अभी थोड़ी देर पहले हेमी स्फीयर का मैंने प्रूफ किया, तो उसी से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं हेमी स्फीयर ले लेता हूँ, मान के सपोज करो कि इसको इसको ये पूरा एक हेमी स्फीयर बन रहा है, ठीक है, इसको हेमी स्फीयर में ना, तो मान लो कि ये हेमी स्फीयर हो गया, ठीक है। अब हेमी स्फीयर की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें पता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा 45 degree एंगल पे, ठीक है, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा 45 degree एंगल पे, तो इसको इवन ले लें या इसको भी इवन, क्योंकि जो इस हाफ पार्ट का होना है वही इस हाफ पार्ट का होना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में अगर तुम्हें पूरे शेप का पता है तो पूरा शेप बना लो, और हाफ पार्ट की वजह से डायरेक्शन देख लो किधर है, और फिर अगले हाफ पार्ट की वजह से डायरेक्शन देख लो किधर है, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जो कि हेमी स्फीयर में होता है, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन कटना है, और ये वाला जो एंगल है इसके साथ वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा 2E₁ cos 45 degree। तो 2E₁ cos 45 degree कितने के इक्वल होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ था किसका, इसका हेमी स्फीयर का कितना आया था, σ/4ε₀, तो E₁ कितना हो जाएगा, σ/4 × 2ε₀ cos 45 degree, तो cos 45 डिग्री कितना 1/√2, तो कितना हो गया σ√2 4 2ε₀ इज इक्वल टू σ/4√2ε₀। आंसर बहुत सिंपल हो गया उसकी वजह से। तो अगर तुम्हें पूरे शेप का पता है और किसी पार्टिकुलर शेप का पूछ रहा है उसमें, तो तुम इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशनल कॉन्टेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।